दोस्तों आपको नागपुर की सरजमीन के एक ऐसे शायर, एक ऐसे मोहतरम शायर से मिलाना चाहता हूं जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और नागपुर शहर में उर्दू अदब के रूह रवा भी हैं। मेरी मुराद है जनाब नौशाद हैदरी साहब से के हारे हुए दरिया की रवानी में मरे हैं हम लोग, हम प्यास से लड़ते हुए पानी में मरे हैं। जोरदार तालियों का इस्तकबाल करें जनाब नौशाद हैदरी साहब। देखिए हजरात, जश्न आजादी हम मनाने यहाँ पर यकजा हुए हैं और हमारे हिंदू भाइयों से मैं पैगाम पहुंचा देता हूँ तक बहुत काल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिन शोबतिल ईमान, क्या कहने वतन की मोहब्बत बहुत 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 हमसे ज्यादा मोहब्बत से वतन कौन कौन सकता है। बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसकी मध्य करने से मुकर्रर की ताकत लिसानी माजूर है, जिसकी नेमतों को शुमार कर मुझको वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छे नौशाद भाई, क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नौशाद हैदरी साहब। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब नौशाद भाई वाह 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 वाह। भाई बार बार ये माइक की आवाज को बोलना पड़ रहा है, एक मेंटेन आवाज रखिए थोड़ा सा, एक आवाज अदा करें नौशाद। मुझको एक साहब किरदार बना दे यार रब, मर्जी हक हक लगदार बना दे यार रब। जब तेरा जिक्र करो जुल्म का सर कट जाए, मेरी आवाज को तलवार और एक लम्हे में पहुंच जाऊं मैं तेरे दर पर, मेरे कदमों को ही रहवार बना दे यार रब। क्या कहने नौशाद भाई वाह वाह, मेरे कदमों को ही रहवार बना दे यार रब। अभी मैं देखा नागपुर से फ्लाइटें उड़ी हैं हज बैतुल्लाह, मेरी भी आंख नम हो गई और मैंने भी सोचा कि परवरदिगार आलम हमें भी जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन कि मैं हम सबकी जानी जानी खालिद भाई जी 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 या रब मेरी किस्मत के अंधेरों को मिटा दे, या रब मेरी किस्मत के अंधेरों को मिटा दे, बुझते हुए आंखों के चिरागों को जला दे, बुझते हुए आंखों के चिरागों को जला दे। जिन हाथों में तैबा की जियारत नहीं लिखी ऐसे सभी हाथों की लकीरों को मिटा दे। वाह 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 वाह, तैबा की जियारत नहीं लिखी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब भाई वाह 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 वाह। जिस हाथ में तैबा की ज़ियारत नहीं लिखी वाह 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 वाह, ऐसे सभी हाथों की लकीरों को मिटा दे। क्या कहने क्या कहने भाई वाह वाह। और मैं जब से देख रहा हूँ नाते पाक बारगाह रिसालत मार मार क्योंकि हजरत मैंने बैठे बैठे देखा कि मेरी कौम को रूहानी गजल की जरूरत है, तो मैंने भी चाहा कि गजल का थोड़ा सा गजल को हटाते हुए कुछ हम्द सना
और नाते पाक में मेरे चार मिसरे समाप्त फरमाए कि सुबह आते हैं सरे शाम चले आते हैं, सुबह आते हैं सरे शाम चले आते हैं, जामे तौहीद मेरे नाम चले आते हैं, जामे तौहीद मेरे नाम चले आते हैं, बैठ जाता हूँ मैं जब नाते पैगंबर लिखते लफ्ज बांधे हुए राम चले आते हैं, लफ्ज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने क्या कहने नौशाद भाई, नबी मुरसल हिदायतों का कवल जहां में खिला रहे हैं, किसी को मिकदाद और सलमा किसी को बूजर बना रहे हैं, अदावतों में उदू के पत्थर जो आ रहे हैं नबी के ऊपर, नबी उन्हीं पत्थरों से देखो खुदा का कलमा पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा का कलमा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह, के पत्थर जो नबी के ऊपर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक दो कतार पढ़ लें नौशाद भाई, एक दो कतार आज की मुनासिबत से चार जी 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 अता करें अता के जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने, आहा क्या मिसरा है, वाह वाह वाह, जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, आए वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली, आए वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली, जितना खून हमने पिलाया है तुझे खाके वतन, अब कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 नहीं करने वाली, जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, वाह 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 वाह, के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, जुल्म के डर से तो हिजरत नहीं करने वाली, ऐ वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली, ऐ वतन तुझसे बगावत नहीं करने वाली, जितना खून हमने पिलाया है तुझे खाके वतन, अब कोई कौम ये जुर्रत नहीं करने वाली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई भाई, वाह 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 वाह, कि मेरे नौजवान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कि कम से कम कुछ मेरे शेर कहने का मकसद भी ये रहता है कि कुछ मेरे कौम और उसमें दर्द मेरे अशआर, तो मैंने कहा मेरी कौम के लिए मेरे बच्चों के लिए छोटे मेरे भाइयों के लिए कि नस्ले जवां को खून जिगर दे के जाएंगे, नस्ले जवां को खून जिगर दे के जाएंगे, इनको ही जिंदगी का हुनर नहीं, वाह 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 वाह, जिंदगी का हुनर दे के जाएंगे, हर दौर में रहेगा हमारा ही तस्करा, हर दौर में रहेगा हमारा ही तस्करा, दुनिया को एक ऐसा हुनर दे के जाएंगे, वाह वाह वाह, शेर खाली शेर के लिए मैंने पढ़ा हूँ कि नस्ले जवां को खून जिगर दे के जाएंगे, इनको ही जिंदगी का हुनर दे के जाएंगे, इनको ही जिंदगी का हुनर दे के जाएंगे, और लगने ना देंगे दाग वतन की जमीन पर, सरहद को अपना तोहफा है सर दे के जाएंगे, सरहद को अपना तोहफा है, वाह 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 वाह, बहुत खूब नौशाद भाई।